हाँ तो भाई कैसे हो सारे। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हनी पाजी ड्रॉप्ड हिज फिफ्थ अपकमिंग एल्बम कवर आर्ट, द नेम इज ग्लोरी। अब काफ़ी भाई लोग कहते हैं कि भाई ये फोर्थ एल्बम है, फिफ्थ कहाँ से भाई, आप लोग रिवर्थ भूल जाते हो जो हनी पाजी की फर्स्ट एल्बम थी, देन आई इंटरनेशनल ब्लेजर, फिर उसके बाद से देसी कलाकार हनी 3.0 और ये है फिफ्थ ग्लोरी। भाई जैसे ही कल रात को 12 बजे हनी पाजी ने कवर आर्ट ड्रॉप करा, फैंस भाई अचानक से एक्टिव हो गए, और ये हमेशा होता है हनी पाजी जब कोई अनाउंसमेंट करते हैं ना, फैंस को ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। जश्न का इंतजाम करो। एनीवेज ग्लोरी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे सकता हूँ, क्योंकि आज हनी पाजी लाइव भी आए थे और काफ़ी कुछ रिवील कर दिया था उन्होंने एल्बम से रिलेटेड, तो फुल एंड फाइनल अपडेट दे सकता हूँ एक वीडियो के थ्रू, कमेंट्स में बताओ तो मैं कल बना के डाल दूंगा। बाकी अगर बातचीत करें अपन गड्डी सूख दी और इसके अलावा कॉम्प्रो और भी हनी पाजी के कलेबरेशंस थे जो एल्बम से पहले आने वाले थे, भाई कुछ आता पता नहीं है उनका, पता नहीं है कब देखने को मिलेंगे अपन को, क्योंकि हनी पाजी अभी 2 बार लाइव आ चुके हैं और इनके बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब एल्बम के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन एल्बम के बाद अपन को एक कलेबरेशन जरूर देखने को मिलेगा जो हनी पाजी ने कल रात में ही अनाउंसमेंट कर दी थी, जो एक इंटरनेशनल कलेबरेशन होने वाला है। हनी पाजी लिखते हैं, सम ग्रेट अरब एंड देसी कलेबरेशन कमिंग आफ्टर ग्लोरी बिग अप सुपर टैलेंटेड अलियास सिंग्स। ये कलेबरेशन अपन को एल्बम के बाद ही देखने को मिलेगा। बाकी कल के लिए रेडी रहना, क्योंकि हनी पाजी आज लाइव आए थे और उन्होंने खुद बोला है कि कल वो फिर से लाइव आएंगे एंड कुछ बड़ा बिग अनाउंसमेंट होने वाली है। और इससे पहले जब हनी पाजी लाइव आए थे ना एक बार पहले, तो उन्होंने उसमें भी बोला था कि 1-2 दिन में बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो चीज़ डिले हो गई। अब हनी पाजी कल रिवील करने वाले हैं, तो भाई रेडी रहना, कभी भी लाइव आ सकते हैं पाजी, बाकी फिर मैं तो बता ही दूंगा। चलो अब बातचीत कर लेते हैं इक्का भाई के बारे में, क्योंकि भाई साहब का एक न्यू ट्रैक आया है और दोगलापंथी देखो तुम इनकी, हनी पाजी को सबलिमिनल्स दिए हैं, और ये काम करता कौन है भड़काने का, सीधी सिंपल बात है, जैसी संगत वैसी रंगत, गिरफ्तार और जियान, मतलब भाई चाटने की भी एक हद होती है। मैंने इक्का को खुद देखा है भाई, शुरू से सुना है, इक्का को बनते हुए देखा है, बॉलीवुड से लेके इंडिपेंडेंटली काम करते हुए देखा है, किसी की हेल्प नहीं ली। हाँ, करियर के शुरुआती में हनी पाजी के साथ ये लोग जुड़े थे माफिया मुंडीर में, तो हनी पाजी ने रास्ता दिखाया, काम सिखाया, ठीक है, कि कैसे गाने बनाए जाते हैं, क्या करना पड़ता है। उसके बाद से इक्का ने भाई खुद ही काम करा है, लेकिन जब से जियान के साथ में है, गिरफ्तार के साथ में है, भाई कितनी चाटोगे। मतलब तुमने देखा होगा अभी कुछ ही दिनों पहले जमना पर नाम की एक वेब सीरीज आई थी, उसमें हनी पाजी को शाउट आउट दिया था इक्का ने, ठीक है, हमें करते हैं चर्च जब गाड़ी में हम बजाते हैं यो यो का गाना। और इससे भी पहले भाई 2018-19 में एक ट्रैक आया था जिसका नाम था यो यो, इसमें फीचरिंग थी आरएस चौहान की इक्का के साथ में, और ये पूरा ट्रिब्यूट था अपने हनी पाजी के लिए, तगड़ा ट्रैक था। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही है ये दोगलापंथी, भाई मैं ट्रैक प्ले नहीं करूँगा, आप लोग जाके सुन लेना। दोगलापंथी मैं क्यों कह रहा हूँ आपको रीज़न बताता हूँ, जब से इक्का ना जियान के साथ में है, भाई सिर्फ जियान की ही तारीफ हो रही है, आज तक हनी पाजी का कोई ट्रैक शेयर नहीं करा है, पहले ये बंदा किया करता था, लेकिन जब से जियान के साथ में है ऐसा सीन ही देखने को नहीं मिलता है, और हर जगह पे तारीफ होती है तो जियान की, ट्रैक में भी भाई जियान की, मतलब बोला कि माफिया मुंडीर में मैं था और मैं तो बस जियान का ही फैन था। और तुम पहले के इंटरव्यूज देखोगे ना इक्का के, तो कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। और मैं हनी भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से ये लाइफ है भाई, यहाँ खड़ा हूँ तो हनी भाई की वजह से। यस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। देखो यार, इक्का भाई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने शुरू से उनके गाने सुने हैं और पसंद करे हैं, इक्का भाई मुझे बहुत ही सही लगते थे भाई पूरे माफिया मुंडीर टीम में, लेकिन भाई अब अलग ही सीन चल रहा है उनका, क्या ही दोगलापंथी देखने को मिल रही है जब से जियान की संगत करी है। मतलब भाई हनी पाजी ने नाम रखा था इनका और खुद इन्होंने अपने एक ट्रैक इंटरव्यू में ये बोला था, लेकिन कपिल शर्मा की शो में भाई खुद कहते हैं कि भाई ये मैंने खुद नाम रखा था। एक दो गोलापंती ये हो गई, कभी हनी पाजी को शाउट आउट देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, कभी भाई सबलिमिनल्स दे देते हैं, क्या ही सीन चल रहा है। पहले कहते हैं मैं जो भी हूँ, मैं जहाँ पे भी खड़ा हूँ हनी पाजी की वजह से हूँ, लेकिन इस ट्रैक में कहा जा रहा है कि भाई मैं शुरू से ही फैन था बादशाह का और जो भी हूँ मैं बादशाह की वजह से हूँ। भाई तुम ही बताओ दोगलापंथी है या फिर नहीं। बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को हनी पाजी के फैन हो, और वीडियो को लाइक शेयर करो।